बाद दिशा से भट के वाइड गेंद करार होती हुई अतिरिक्त रनों में हुई है। यहां पर बढ़ोतरी अतिरिक्त रन के साथ देवांश 11 चंद्रन क्रिकेट टीम अपने पारी की शुरुआत करते हुए बिल्कुल टीम की रन संख्या बनी है बग्गर कोई विकेट के नुकसान पे एक। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए विठल बिल्कुल निश्चित रूप से बुर्दुल पैबल एंड से और दी विकेट मारा करने के लिए तैयार। ये देखे इस बार बिल्कुल बल्ले का पेस खोला लॉब किया गेंद को गेंद सीधा गई डीप स्वेल लेग सीमा रेखा बार वन बाउंस शानदार चौका। शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में साई दर्शन दे मुझको अपने चरणों में बाबा दर्शन। थैंक्स डीजे मास्टर। और इसी चार रन के मदद से बिल्कुल तकदीर पारे पाड़े कर अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपने पारी का आगाज करते हुए अपने पारी का श्री गणेश करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला टीम की रन संख्या यहां पर अग्रेसर होती हुई देवांश 11 चंद्रन क्रिकेट टीम की बग्गर कोई विकेट के नुकसान पे यहां पर पांच। बिल्कुल बड़ा मुकाबला शानदार मुकाबला दोनों टीमों ने पहले एक एक मैच जीता है। एक बार फिर से विठल पाटिल और दी विकेट मारा करने के लिए तैयार। ये देखिए बिल्कुल रफ्तार वाली गेंद थी लेकिन दिशा से भटके गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर अंपायर संतोष चौधरी सर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार अतिरिक्त रनों में हुई बढ़ोतरी। इसे एक अतिरिक्त रन के मदद से देवांश 11 चंद्रन क्रिकेट टीम आगे यहां पर अग्रेसर होती हुई छह पर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार विठल। ये गेंद बिल्कुल बैकफुट पर गए बल्लेबाज जगह बनाई बिल्कुल गेंद जा रही है डीप गली सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। चार रन के मदद से टीम के रन संख्या चंद्रन क्रिकेट टीम की 10। एक बार फिर से बिठल अजय के लिए तकदीर के लिए बिल्कुल ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई धीमी गेंद थी आगे रखा था बल्लेबाज को कोई रन लेने का मौका नहीं। इसके साथ एक सफल गेंद की समाप्ति। तकदीर पाड़ेकर की यदि बात करें आरंभिक बल्लेबाज है बिल्कुल तीन गेंदों का सामना किया है दो चौके की मदद से 10 पर खेल रहे अभिजीत 10 पर अभी भी रुकावट स्कोर है बग्गर को विकेट के नुकसान पर 10। गेंदबाजी के लिए तैयार। ये थोड़ी पटकी हुई गेंद थी उछालता गेंद में हवा में गेंद जरूर है डाउन दी फील्डर और यहां पर बिल्कुल लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। ये पहला करारा झटका तकदीर पाड़ेकर के रूप में तकदीर पाड़ेकर बैक टू द पैवेलियन। थैंक्स डीजे मास्टर। जिस तरह की शुरुआत हुई थी बिल्कुल एक अच्छी शानदार शुरुआत दी थी शानदार आगाज किया था चौके के साथ बल्लेबाज तकदीर पाड़ेकर ने अपने पारी की शुरुआत की थी लेकिन गेंदबाज का भी जिक्र करना होगा बिल्कुल संयम रखा यह गेंद थी थोड़ी बल्लेबाज को आगे रखा था बैकफुट पर जाकर दिशा देना चाहते थे हवा में गेंद जरूर थी शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में फील्डर ने कोई गलतियां नहीं की आसानी के साथ कैच को लपक लिया और ये पहला करारा झटका मिलता हुआ चंद्रन क्रिकेट टीम को। चंद्रन क्रिकेट टीम का पहला विकेट पतन हो चुका है फॉलो फर्स्ट विकेट ऑन 10 रन्स। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार है गेंदबाज विठल और सामना करेंगे बल्लेबाज अजय कड़ू मैन इन फॉर्म बल्लेबाज है बिल्कुल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद हवा में बिल्कुल डाउन दी फील्डर शॉर्ट डीप मिड विकेट रीजन और इसी के साथ बल्लेबाज अजय की पारी हुई समाप्त। थैंक्स डीजे मास्टर। और इसी के साथ आज मैन इन फॉर्म बल्लेबाज हालांकि इस साल की यदि बात करें तो केतन कड़ू उसके बाद में तकदीर पाड़ेकर और अजय कड़ू ये बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है लेकिन दो ताकतवर बल्लेबाज आप मैदान छोड़ते हुए निश्चित रूप से ताई गेंदबाजों का भी जिक्र करना होगा शुरू में दिशा में भटक रहे थे संयम नहीं था लेन के ऊपर अपना लक्ष्य फोकस नहीं किया था लेकिन उसके बाद में बिल्कुल शानदार ब्रेक थ्रू दिलाते हुए गेंदबाज यहां पर विठल। लेकिन मैच में जरूर मजा आएगा हालांकि मैच चार ओवर का मैच खेला जा रहा है और चार ओवर का मुकाबला है यहाँ की जो विकेट
विकेट से बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुकूल, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी ये बल्लेबाजी के लिए विकेट आसान बनती जाएगी। लेकिन इस विकेट के ऊपर विकेट टू विकेट मारा कर देखिए यहाँ पर कंट्रोल संयम करेंगे और हैट्रिक का मौका है गेंदबाज के लिए। विट्ठल पाटिल अपने ओर की आखिरी अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार। और इसके साथ अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में हुई बढ़ोतरी। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से देवांश इलेवन चंद्रन क्रिकेट टीम के रन संख्या बन चुकी है 11। दो विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज से तकदीर पाड़ेकर 8 रन का योगदान दिया। अजय कड़ू 0। ये देखिए अच्छी गेंदी, धीमी गेंदी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन शॉर्ट गली के फील्डर द्वारा। और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया ओवर की वही समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद देवांश इलेवन चंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे 11। थैंक्स डीजे मास्टर। और इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। हमारे साथी स्कोरर भाया मात्रे उसाड ने यहां पर हमें जानकारी देते हुए कि निश्चित रूप से संजय बिल्कुल नारायण इलेवन क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से आरंभिक गेंदबाज विट्ठल पाटिल का जो गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, एक और 11 रन खर्च किए लेकिन 2 आरंभिक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने प्राप्त की। लेकिन आप बल्लेबाजी की बात करें तो चंद्रन क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हम देख रहे हैं वन डाउन रूपेश पाटिल और राकेश, दो बेस्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं दोनों क्रिकेटर। बिल्कुल स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतियोगिता उसाडने के मैदान के ऊपर रूपेश पाटिल ने दमदार बल्लेबाजी की थी। वी की गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद हवा में, शॉर्ट गली के रीजन में लौटना होगा राकेश पाड़ेकर को। और इसी के साथ ये तीसरा करारा झटका। थैंक्स डीजे मास्टर। और राकेश की पारी हुई यहाँ पर समाप्त। आप बिल्कुल थोड़ी सी बीज भवर में फंसती हुई टीम अभी भी इस ओवर के निश्चित रूप से शेष 5 गेंदे बची है। विकी गेंदबाजी के लिए तैयार है, निश्चित रूप से बुरदुल पैवेलियन एंड से मारा करने करेंगे और आप सामना करेंगे नए बल्लेबाज अतुल। अतुल बिल्कुल छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटे कद का दायरा इंसानियत के मन से हमेशा टकरा जाता है। ये देखिए गेंद हवा में जरूर है, मिड विकेट रीजन में गेंद है, डाउन द फील्डर। और यहां पर अतुल को भी लौटना पड़ रहा है डकआउट के रूप में, 0 पर आउट होकर पैवेलियन लौट रहे। और इसी के साथ 4th विकेट मैदान से बाहर। थैंक्स डीजे मास्टर। अतुल विदाउट स्कोर पर आउट होकर पैन में लौट रहे। आप मैदान के अंदर चंद्रन क्रिकेट टीम की मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सबसे बिल्कुल जिस तरह केतन कड़ू, तकदीर पाड़ेकर, इसके बाद में भाई यदि बात करें तो आविष्कार पाटिल है, कई मैच में देखा है काफी बड़े बड़े हिट लगाने के लिए ये खिलाड़ी ये मशहूर है। लेकिन गेंदबाज काफी लेंथ लाइन और दिशा के साथ नियंत्रण रखते हुए शानदार गेंदबाजी, विकेट पे विकेट मारा इस विकेट के ऊपर नजर आ रहे। लेकिन जहां तक बल्लेबाज है किरण, गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखे रूपेश का जलवा, बल्ले का पेस खोला, सीधा गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए शानदार छक्का।
थैंक्स। और छक्के के साथ देवांश लेबान चिंद्रन क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 17 पर कमाल की बल्लेबाजी रुपेश। ये देखिए थोड़ा गेंद में उछाल जरूर था, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, जगह बनाकर खेले डीप शॉट, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद है, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला एक रन लेने का। और इस एक रन के मदद से बल्लेबाज रुपेश पहुंच रहे 7 पर, 3 गेंदों का सामना किया एक छक्के की मदद से और टीम की रन संख्या बनी इसी एक रन के मदद से देवांश 11 चिंद्रन क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के यहां पर 4 विकेटों के नुकसान पर 18। बिल्कुल मैच में मजा आएगा, चिंद्रन क्रिकेट टीम के 4 विकेटें यहां पर पतन हो चुके हैं लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं दोनों टीमें जीतना चाहेगी। बिल्कुल ये देखिए क्रिकेट का एक क्लासिक स्ट्रोक है, गेंद जारी है स्पेल क्षेत्र में, गेंद जाती हुई एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। और इसी एक रन के मदद से आविष्कार पाटिल अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला, टीम की रन संख्या बनी चिंद्रन क्रिकेट टीम की इसी एक रन के मदद से 4 विकेटों के नुकसान पर 19। मैच में मजा जरूर आएगा क्योंकि दोनों टीमें काफी ताकतवर टीमें हैं, निश्चित रूप से एक तरफा हम देख रहे हैं। ये देखिए शानदार गेंदबाजी, आगे रखा बल्लेबाज, बिल्कुल बल्लेबाज को आगे रखा था संयम के साथ, यहाँ पर डॉट गेंद की हुई समाप्ति। अंपायर द्वारकानाथ सोर्गे सर मैन फ्रॉम बेलवली यहाँ पर इशारा करते हुए ओवर की हुई समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद देवांश 11 चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके 4 विकेटों के नुकसान पर 19। थैंक्स। डीजे मास्टर ही स्पर्धा पण पाहतो खऱ्या अर्थाने की जय गावदेवी क्रिकेट संघ बुरदुल यांच्या संयुक्त विद्यमानाने, त्याचबरोबर बुरदुल ग्राम पंचायतीचे विद्यमान सरपंच ॲडव्होकेट सुनील दादा पाटील, त्याचबरोबर अंबरनाथ पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आदरणीय श्री सुरेश दादा पाटील, चिंतामणी शेठ पाटील माजी सरपंच बुरदुल, सन्मान्य मोतीराम शेठ पाटील विद्यमान ग्राम पंचायत बुरदुल, त्याचबरोबर बुरदुल ग्राम सदस्य बुरदुल, बुरदुल ग्राम पंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आदरणीय बिंदास दादा पाटील, त्याचबरोबर प्रवीण दादा पाटील, सुनील विठ्ठल पाटील, या सर्व आमच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून आयोजन कमिटीच्या संकल्पनेतून तयार झालेली खऱ्या अर्थाने ठाणे रायगडकरांच्या प्रत्येकाच्या मनामनावर अधिराज्य गाजवणारी एक लोकप्रियता गाठलेली क्रिकेट स्पर्धा आपण सर्वांच्या भेटीसाठी आलेली आहे आणि त्या स्पर्धेचा आजचा खऱ्या निश्चित सुरुवात हा पहिला दिवस। जबरदस्त प्रतियोगिता, बिल्कुल दो ओवर की समाप्ति, ईश्वर की बात करें निश्चित रूप से बीकी का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 8 रन खर्च किए, 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की। आप दूर वाले चोट से गेंदबाजी में परिवर्तन है, गेंदबाज मयूर मात्रे सामना करेंगे, एक ठोस ठाकर बल्लेबाज, बिल्कुल ठाकर बल्लेबाज है आविष्कार पाटिल, बिल्कुल मजा आएगा, ताकतवर गेंदबाज है सामने ताकतवर बल्लेबाज। ये देखिए ताकत, ये उड़ाया सीधा गेंद गई दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए, ये शानदार छक्का। थैंक्स डीजे मास्टर, छक्के के साथ चिंद्रन देवांश 11 चिंद्रन क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग लगाता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर 25। आविष्कार पाटिल खेल रहे 7 पर, 2 गेंदों का सामना, एक शानदार छक्का शामिल। मैच में मजा आएगा, दोनों टीमों की ताकत एक तरफ हम देख रहे देवांश 11 चिंद्रन, तो दूसरी तरफ हम देख रहे नारायण क्रिकेट टीम। ये दोनों टीमों की ताकत है वो है बल्लेबाजी, तो बिल्कुल पहले मैच में बल्लेबाजी, पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाले क्रिकेट टीम को 4 ओवर में कम से कम 49 या 50 रनों का इस विकेट के ऊपर लक्ष्य खड़ा करना होगा कोई भी टीमें, क्योंकि यहाँ की जो विकेट से थोड़ी बेजान विकेट है, सटीक विकेट से धूप बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी ये विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान बनती जाएगी।
लेकिन विकेट का महत्व क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बिल्कुल, कि जब आप गेंदबाज यदि विकेट टू विकेट मारा करेंगे, गेंद में उछाल कम होगा, बिल्कुल उछाल जब कम होता है टप्पा खाने के बाद गेंदें कभी कभी अंदर की तरफ आती है, तो बल्लेबाजों को खेलना भी थोड़ा मुश्किल बनता है। निश्चित रूप से बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं मिलता इसे गेंद के ऊपर। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे आविष्कार। ये देखिए आविष्कार की या पारी हुई समाप्त, बिग विकेट मैदान से बाहर, पांचवा झटका। थैंक्स डीजे मास्टर। यहां पर निश्चित रूप से गेंदबाज कमाल की वापसी करते हुए, लेकिन अविनाश ने करारा जवाब दिया था, छक्का दागा था, मानो ये एक बल्लेबाज के ऊपर मिडल ऑर्डर की यदि बात करें तो चिंद्रन क्रिकेट टीम ज्यादा निर्भर करती है। तो निश्चित रूप से आविष्कार की पारी हुई समाप्त, आप पूरी बागडोर होगी बल्लेबाज रूपेश के कंधे के ऊपर। आज केतन कड़ू जो बिल्कुल पनवेल ओपन लीग में भी खेलते हैं, बिल्कुल केतन कड़ू आज टीम में नहीं है निश्चित रूप से, अच्छे जॉब में बिल्कुल वो जॉब करते सर्विस करते आज नहीं आए, लेकिन बिल्कुल चिंद्रन क्रिकेट टीम की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत की यदि बात करें तो केतन का सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है। ये देखिए इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति, बल्लेबाज साम देख रहे निश्चित रूप से। यहां पर ऋषि नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, नेवाली पाड़ा विपक्ष पीयू स्पोर्ट तोंडे क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जाएगा। दोनों क्रिकेट टीम के कप्तान से निवेदन है कि आप शीघ्र टॉस के लिए संपर्क करें। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे ऋषि जिनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। ये देखिए बिल्कुल एक अच्छा ग्राउंड शॉट खेला है, मिडॉन के रीजन में गेंद जाती हुई, एक रन दूसरे की मांग और यहां पर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दो रन मुकम्मल करते हुए। सन्मान्य कुंडलिक पाटील साहेब पोसरी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, यावं सन्मान्य सरपंच सुनील दादा पाटील साहेबांच्या वतीने आपणास व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे, स्वागत। दोरन के मदद से टीम की रन संख्या 27-27, पांच विकेटों का पतन हो चुका है। ऋषि बल्लेबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे मयूर के गेंदबाजी का। ये देखिए छोटा तीर घाव करे गंभीर, और छोटे तीर का छोटा दायरा हमेशा इंसानियत के मन पर राज करता है, और ये राज किया छक्के के साथ गेंद 6 रनों के लिए। छक्के के साथ टीम की रन संख्या 33। सुधीर पाटिल इस प्रतियोगिता बिल्कुल एग्रेसर के लिए बिल्कुल उनका बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़े पैकर्स भी माने जाते हैं, आपका भी स्वागत है। सरपंच चषक पर्व 2021 के माध्यम से टीम के कप्तान भी है। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज, ये गेंद हवा में जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, डाउन द फील्डर मौका बन सकता है, लेकिन मौका गवाया। दो रन पूरे तीसरे की मांग जरूर थी, लेकिन रूपेश पाटिल कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, दो रन मुकम्मल हुए। इसी दो रन के मदद से देवांश इलेवन चिंद्रन क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 35। इसी के साथ अंपायर का इशारा आया और की हुई समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद देवांश इलेवन चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके 5 विकेटों के नुकसान पर 35। थैंक्स डीजे मास्टर। तीन षटकांची झाली इथे समाप्ति, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर देवांश इलेवन चिंद्रन क्रिकेट संघाची इथे धावसंख्या झालेली आहे ती 5-35। आमचे व्यासपीठावर पाहतो एकच वादा, बुरदुल गावातील तरुणांचा सुनील दादा, ॲडव्होकेट सुनील दादा पाटील विद्यमान सरपंच आहेत, त्यांनी बघितलेले स्वप्न, कारण उघड्या डोळ्याने बघितलेले स्वप्न एक ना एक दिवस पूर्ण होत असतात। यानंतरची लढत असणार आहे बघा, नेवाली पाडा क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी पीयू स्पोर्ट तोंडरे क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे।
पी स्पोर्ट्स कार्यार्थाने प्रमोद पाटील असतील, आदर्श क्रिकेटर विश्वास पाटील असतील, प्रमोद यायचे आहे। तर दुर्बल चौसे गेंदबाजी में परिवर्तन है, गेंदबाज ओमकार, सामना करेंगे रूपेश। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान के प्रतियोगिता में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, इनसाइड ये बिल्कुल हल्के ढंग से खेला, गेंद जा रहे फाइनल एक सीमा रेखा के बाहर, एक गतिमान चौका है, गेंद सीमा पार, चार रन। टीम के रन संख्या बनी चार रन के मदद से 39। तोंडरे क्रिकेट टीम के कप्तान शीघ्र आप टॉस के लिए संपर्क करें, ये सत्र फिनिश होने से पहले आपको स्टेज पर आना जरूरी है। तो गेंदबाजी के लिए ओमकार, सामना करेंगे रूपेश पाटिल, होनार खिलाड़ी बिल्कुल रूपेश। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो विठल पाटिल ने कमाल की गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें अजय ने काफी धाकड़ तकदीर ने शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद में ओमकार ने भी छक्का दागा, रुपेश पाटिल भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, ठोस तकनीकी बल्लेबाजी इस विकेट के ऊपर नजर आती हुई, सभी तमाम दर्शक खचाखच भरा हुआ, ये बुरदुल का मैदान है, सभी ग्रामस्थ और सभी क्रीड़ा प्रेमी दर्शकों का यहाँ से शान और शौकत के साथ स्वागत है। गेंदबाजी के लिए ओमकार, ये देखिए ये कमाल है, गलती कर रहे गेंदबाज बार बार, और अंपायर दौड़ करना छोड़ के सर का इशारा आया, लेग बाइथ का अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, टीम के रन संख्या 43। थैंक्स डीजे मास्टर, चौके के साथ अतिरिक्त चौका मिला बिल्कुल लेग बाइज के रूप में, रन कैसे भी आए रन आना जरूरी है, रन बनाना, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल दिशा में भटकते हुए है, अभी भी रुका हुआ स्कोर है 43। लेकिन ये विकेट बल्लेबाजी के लिए, दोनों टीमों की ताकत है बल्लेबाजी, दोनों टीमों ने अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, दोनों टीमों ने एक एक मैच भी जीता है। ये देखिए बिल्कुल जगह से बिल्कुल यहाँ पर ड्राइव किया, गेंद जा रही है शॉर्ट स्पेल लेक रीजन में, एक रन दूसरे की मांग, लेकिन बाल बाल बचे बल्लेबाज, दो रन मुकम्मल होते हुए इन दो रन के मदद से टीम के रन संख्या 45 यानी कि 45 की यदि भाया मात्रा हमारे साथी स्कोरर है, ये नंबर जब आता है ना तो हिटमैन रोहित शर्मा को कौन भूलेगा, शायद क्रिकेट दुनिया का सबसे जिगरबाज खिलाड़ी है, शायद जिनका ज्यादा पसंदीदा वर्ग है, आज भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ी कौन होगा, तो मेरे हिसाब से आज के रीजन में बिल्कुल बिल्कुल एग्रेसर यदि बात करें तो बिल्कुल ज्यादा रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि ये संयमी क्रिकेटर है, लेकिन जब बल्लेबाजी कर देना हर गेंदबाजों के ऊपर अटैक करना ज्यादा जानता है। 45 रन संख्या, ये देखिए गेंद में उछाल न बिल्कुल, इनो गेंद करार बिल्कुल, ये ज्यादा गेंद में हाइट थी और बीमर के तौर पर बिल्कुल यहां पर फ्री हिट होगा, पानी घेऊन जायचे मैदान मध्ये, थोडस आपण पाहतो निश्चित स्वरूपात समस्या निर्माण झालेली आहे खेळाडूला, पानी घेऊन जायचे मैदान मध्ये, मी आमचे जे गावदेवी क्रिकेट संघाचे सहयोगी असतील आपण मैदान मध्ये लगेच दाखल व्हायचे आहे। आज आमच्या समवेत समालोचक पाहतो खऱ्यार्थाने ते योगेश मडवी, या विभागामध्ये ज्या ज्या स्पर्धा होतात संपूर्ण स्पर्धा खऱ्यार्थाने संघांच्या दृष्टिकोनातून ते कव्हरेज करत असतात, त्याच्यानंतर आमच्या विभागाचा जर विचार केला तर रॉकस्टार व्हॉइस ऑफ रायगड प्रवीण गायकर आणि मी महादेव गडगे खऱ्यार्थाने त्रिवेणी संगम आपण इथे पाहतो। सुनील दादा तुमचा आम्ही तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करू की या सरपंच चषकामध्ये आम्हाला खऱ्यार्थाने या तिन्ही समालोचकांना समालोचन करण्याची संधी या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्राप्त झाली, त्याबद्दल तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करतो। तर निश्चित रूप से अभी भी रुकावा स्कोर है 46, ए गेंद नो गेंद बिल्कुल, और बीमार फ्री हिट का मौका, इससे बेहतर तोहफा क्या मिल सकता है, और सामने बल्लेबाज रुपेश पाटिल,
हाइट बिल्कुल नो बॉल घोषित किया गया है। अंपायर निश्चित रूप से हम मेन अंपायर हम देख रहे द्वारकानाथ चौरगे सर मैन फ्रॉम बेलवली पहले का अंपायर शांतते के प्रतीक संतोष चौधरी शिरडोन और एक तरफ हम देख रहे एक आदर्श अंपायर सुनील पाटिल सर मुरबी। ये त्रिवेणी संगम बहुत ही बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता के लिए। अंपायर के दृष्टिकोण से गेंदबाज ओमकार फ्रीट का मौका जरूर था बल्लेबाज को लेकिन पूरे फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक ही रन मिला और इसी एक रन के मदद से यहां पर देवांश 11 चिंद्रन क्रिकेट टीम के रन संख्या बन चुके हैं यानी कि 5 विकेटों के नुकसान पर 47 यानी कि 47 47। आप बल्लेबाजी के लिए तैयार है बल्लेबाज ऋषि। मैच में मजा जरूर आएगा क्योंकि मैच 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है और सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहते हैं कि ये मैच चिंद्रन विपक्ष नारायण क्रिकेट टीम के बीच में खेला जा रहा है। ओमकार ये ओमकार के किया स्वागत भव्य स्वागत दमदार स्वागत गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर चक्के के साथ चिंद्रन क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर 53 यानी कि 50 का आंकड़ा पार। अंतिम गेंद बची है सामने ऋषि। ये देखिए एक रन तो आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए और यहां पर रन आउट का मौका एक ही रन मिलेगा और इसी के साथ बल्लेबाज आउट और अंपायर का इशारा आया और की हुई समाप्ति इनिंग्स की हुई समाप्ति 4 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर निश्चित रूप से देवांश 11 चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 6 विकेटों के नुकसान पर 54 और जीतने के लिए नारायण 11 क्रिकेट टीम के सामने 4 ओवर में 55 रनों का लक्ष्य होगा और उसके लिए हम चलते हैं बिल्कुल नए सत्र के लिए। हमारे साथी कॉमेंटेटर रॉकस्टार वॉइस ऑफ रायगढ़ प्रवीण गायकर आणि त्याच्यानंतर आमचे एक नामवंत लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक योगेश मडवी यांच्याकडे आपण बोलूया। तर पोसरी गावच्या आदरणीय व्यक्तिमत्व पुंडलिक पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे यावं आपण स्टेजवर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर पुंडलिक पाटील साहेब आपण यावं बुर्दुल ग्राम पंचायतीचे विद्यमान सरपंच आदरणीय ऍडव्होकेट सुनील पाटील साहेबांच्या वतीने आपणास व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेला आहे। यावं आपण व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे। सरपंच चषक क्रिकेट स्पर्धेचं उद्घाटन आपण बघितलं हॅलो तर प्रेक्षक वर्ग एक निश्चित या ठिकाणी आम्ही लाईव्ह लॉस उडवत आहेत। जनमान क्रिकेट संघ नेवाईपाडा यांच्या वतीने जी स्पर्धा आहे येत्या 27 आणि 28 अर्थात शनिवार आणि रविवारी ती स्पर्धा नेवाईपाड्याच्या ग्राउंड वरती होणार आहे आणि त्या स्पर्धेचे लाईव्ह लॉस असतील 27 तारखेला इथे पहिली मॅच। तर आपण प्रवीण शेठ पाटील आणि सुनील शेठ पाटील यांना विनंती करूया पहिल्या दिवसाचा हा लॉस अर्थात तिथे असेल 27 तारखेला काकोले वर्सेस चिंचवली योगेश काकोले वर्सेस योगेश चिंचवली ही पहिली लढत असेल। तर दुसरी लढत या ठिकाणी पाले बी आणि खोनी बी हा दुसरी मॅच असेल 27 तारीख निवई पडा अर्थात खोनी बी आणि पाले बी ही तिसरी लढत। तर तिसरी लढत या ठिकाणी असेल वडवली ए वर्सेस चिंचपाडा वडवली ए वर्सेस चिंचपाडा ही तिसरी लढत आणि अंतिम लढत शेवटची लढत 27 तारखेला अर्थात शनिवारी ती स्पर्धा सुरू होईल ब्राह्मण करवले वर्सेस नेवाली ब्राह्मण करवले वर्सेस नेवाली या झाल्या पहिल्या दिवसाचे लाईव्ह लॉट्स। आता आपण 28 तारखेचे लाईव्ह लॉट्स या ठिकाणी घेणार आहोत। तर पहिली मॅच असेल हेडुटने बी वर्सेस जांभिवली जय गोलोबा जांभिवली वर्सेस हेडुटने बी। तर दुसरी लढत
मानपाड़ा वर्सेस सागाव नांदिवली, मानपाड़ा वर्सेस सागाव नांदिवली तीसरी लड़त। तर तीसरी लड़त काकड़वाल वर्सेस आसेले, काकड़वाल वर्सेस आसेले आणि चौथी अंतिम मैच, चौथी अंतिम मैच जय हनुमान क्रिकेट संघ नेवाईपाडा आयोजित क्रिकेट स्पर्धा 27 आणि 28 तारखेचे लाइव लॉट्स या ठिकाणी नागझरी वर्सेस हेडुटने ए, नागझरी वर्सेस हेडुटने ए हे झाले आपले 27 आणि 28 तारखेचे लाइव लॉट्स जय हनुमान क्रिकेट संघ नेवाईपाडा या ठिकाणी होणारी स्पर्धा। आणि ज्यांनी ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवलाय त्या सर्व संघांनी आयोजक दे तुम्हाला टाइमिंग देतील, त्या टाइमिंग वेळी तुम्ही उपस्थित राहा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तर टॉस देखील होतं या ठिकाणी, दोन्ही कॅप्टन आले आहेत, नेवाईपाडा वर्सेस पिगू स्पोर्ट्स टोंडरे हे दोन बलाढ्य संघ आहेत। आणि मी विनंती करतोय टॉस साठी सन्माननीय रविशेठ हजारे साहेबांना की आपल्या सुभाषे टॉस करायचा आहे। बिग फाइट तिसरी लढत असेल मैदानावरती, दोन ताकतवर टीम मध्ये टॉस होतोय, 5 ओव्हरची मॅच आहे, कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेतला नियम आहे। आणि सन्माननीय रविशेठ हजारे साहेब यांच्या सुभाषे टॉस होतोय आणि सन्मान नेवाली पडा वर्सेस पीयू स्पोर्ट्स टोंडरे आणि टॉस जिंकलाय जय हनुमान नेवालीपाडा टीम। टॉस निर्णय काय घेणार, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। तर टॉस बॉक्स मधून न्यूज, नेवालीपाडा टीम वन द टॉस अँड इलेक्ट टू द फील्ड फर्स्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलते मैदान के ऊपर फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत, एक बेहतरीन प्रतियोगिता चलते हुई इस मैदान के ऊपर। दोस्तों चार दिन चलने वाली क्रिकेट स्पर्धा और आज का ये पहला दिन है, पहले दिन का सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला। भारी संख्या में दर्शक आज जुड़ चुके हैं हमारे मैदान के ऊपर। उन सभी प्यारे दर्शकों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उन सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। जीत के लिए लक्ष्य रखा है 55 रनों का और पहली गेंद के ऊपर क्या कमाल की शुरुआत की और पहली गेंद के ऊपर आगाज किया छक्के के साथ, छक्के के साथ आगाज किया। यहां पर बल्लेबाज भरत पाटिल बिल्कुल यहां पर जिनके बल्ले से तो पहले गेंद पर छक्का है और उसके बाद यहाँ पर नई बॉल पेश की गई है मैदान के ऊपर। मगर कप्तान ध्यान रखे आपको चॉइस बॉल नहीं मिलेगी, आप जब पहली बॉल चॉइस करते उसके बाद कमिटी जो आपको बॉल देगी वो आपको स्वीकार करनी होगी। पहले गेंद में आया छक्का, दे दनादन उत्तर बिल्कुल यहाँ पर जवाब कमाल का दिया, 55 रनों का लक्ष्य और पीछा करने उतरी टीम मैदान पर शुरुआत बेहतरीन करते हुए नारायण टीम। और इस बार स्क्वेयर कट किया, लाजवाब स्ट्रोक, पॉइंट को बीट करती हुई गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर और एक खूबसूरत चौका। ये भरत पाटिल है, ये बेहतरीन बल्लेबाज, ताकत देखिए कितनी इसमें, जितनी क्षमताबाज बल्लेबाज है। पहली गेंद में छक्का दागा, दूसरी गेंद में चौका दागा, अब टीम की टोटल बनी है 10 रन। जीत के लिए 55 रनों का लक्ष्य है, 24 गेंदे 55 रन, मगर कमाल की शुरुआत मैदान के ऊपर। इस बार इंतजार किया था, बिल्कुल गेंद पड़ने के बाद आउट स्विंग थोड़ी सी हुई, थोड़ी सी गेंद बिल्कुल यहां पर स्लो भी थी और बल्लेबाज को चकमा दिया। और कहते ना कि चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता, वो डॉट बॉल और डॉट बॉल के साथ टीम की टोटल अभी रुकी हुई 10 के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार स्क्वेयर कट करना चाहते थे, बैकफुट पर गए, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे क्योंकि
जिस तरह से पावर प्ले शुरू है और पावर प्ले में दो खिलाड़ी आप देख रहे हैं जो ऑन साइड में, एक लांगन और एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं डीप मिड विकेट के ऊपर है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भरत भी ऑफ साइड में खेलना चाहते थे। ऑफ साइड में देखिए 30 गज घेरे के अंदर कुल मिला के चार खिलाड़ी है, एक शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और ये पांचवा खिलाड़ी मिड ऑफ पर, ये पांच पांच खिलाड़ी लगाए इस भरत के लिए ऑफ साइड में। ऑन साइड की फील्ड की बात करेंगे तो दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है और 30 गज घेरे के अंदर दो खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये दो खिलाड़ी बस 30 गज घेरे के अंदर है। ऑन साइड में चार और ऑफ साइड में पांच, ये भी व्यवस्था होगी फील्डिंग की। और इस बार उड़ाया गेंद को भारत भरत के बल्ले से, ये आता हुआ और एक आसमानी छक्का। बसंत सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, चला पास आओ से पांच। बिल्कुल यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम की टोटल बनी है पुल स्कोर 16 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। भरत ने क्या कमाल की पारी के लिए, ये देखिए नारायण टीम के समर्थक हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने जितनी भी तादादी दिख रही ना दोस्तों, ये दर्शक है नारायण टीम के, ये चाहते नारायण टीम के। नारायण टीम जब भी मैदान पर खेलती है इतनी तादादी के साथ ये नारायण टीम के समर्थक आते हैं बिल्कुल हौसला बुलंद करने के लिए अपने टीम का। और इस समय वो बल्लेबाजी भी की है मैदान पर भरत ने, टीम की टोटल बनी है 16 रन। अब जीत के लिए समीकरण बचता हुआ, मैदान पर 39 रन की आवश्यकता होगी, 13.00 की औसत यानी कि 18 गेंदे 39 रन की आवश्यकता। बहुत बड़ा मुकाबला, दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ कशमकश भरा मुकाबला, एक तरफ जहाबाज है तो दूसरी तरफ जिगरबाज है, जहाबाज बनाम जिगरबाज के बीच चलता हुआ ये घमासान युद्ध। रिवर्स बिल्कुल स्विच शॉट खेलना चाहते थे मगर बल्ला और गेंद का सही संपर्क नहीं है। स्विच शॉट खेलने के लिए आपके पास नजर होनी चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए मगर इस समय मिली एक रन और इस एक रन के साथ टीम पहुंची है 17 रनों के ऊपर। अब समीकरण बदलेगा, अब 17 गेंदे बची है और 38 रन की आवश्यकता, 17 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन किया गया बिल्कुल इस समय स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की हम बात करेंगे, भरत जिन्होंने काफी उम्दा बल्लेबाजी की है, काफी ताकतवर बल्लेबाजी की है। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंका, बेहतरीन डिलीवरी, सिली में डाउन में गेंद को रोका, तब तक पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास सिंगल लेने का। सिक्का दुक्का से टीम जीत की तरफ बढ़ रही है, कहते ना जब पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना तब बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। इक्का दुक्का से भी आप बड़े लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं क्योंकि शुरुआत बेहतरीन हुई और इक्का दुक्का के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ जीत के लिए समीकरण। और क्रॉस द लाइन बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद आती हुई इस समय लॉन्ग लेग की तरफ, दो दो खिलाड़ी अंतिम मूवमेंट में गेंद को रोकने में कामयाब रहे मगर तब तक बल्लेबाज के पास समय था 3 रन चुराने का और इस 3 रन के साथ टीम की टोटल अब तेजी के साथ बढ़ती हुई 21 रनों पर पहुंची है। अब समीकरण बदलता हुआ धीरे धीरे ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा मुकाबला एंड तक जाएगा तो उतनी उत्साह बिल्कुल बढ़ सकती है मैदान के ऊपर। दोनों टीमें जूझ रही है, इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे क्योंकि चिंद्रन टीम काफी ताकतवर है और उससे भी ताकतवर ये नारायण टीम मैदान के ऊपर है तो मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा मगर इस समय बल्लेबाज के पारी का अंत यानी कि अंदरूनी हिस्सा लिया भरत को लौटना पड़ा मैदान के बाहर, पहला विकेट मैदान से बाहर, भरत पाटिल बैक टू द डगआउट।
तो बिल्कुल यहाँ पर सम्माननीय नीलेश जी बालराम पाटिल हमारे नारायण गांव के जो मैं बिल्कुल यहाँ पर आगमन हुआ है, उनसे हम विनती करते हैं कि आइए हमारे मंच के ऊपर तस्दीप रखिए, आपका हम स्वागत करेंगे। और हमारे सम्माननीय बिंदास दादा पाटिल जिनका भी आगमन हुआ है, उनसे भी हम विनती करते हैं कि आइए हमारे मंच के ऊपर तस्दीप रखिए, फिर एक बार चलते मैदान के ऊपर। और इस बार बैक टू द बॉलर, खेला गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ में, वाह खिलाड़ी थे, मिस फील्ड इज देयर, गॉन फॉर रन, ये काफी खराब फील्डिंग और नतीजा हुआ ये मिले 4 रन। शिव शंकर शंकर मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतहाम होता है, डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। डर कर खेलेंगे तो इस मुकाबले को नहीं जीत सकते, क्योंकि आपने फिल्म देखी होगी बिल्कुल शोले, शोले में गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला जीतना है तो खड़े रहना होगा मैदान के ऊपर, सीना तान कर मुकाबले में जान डालनी होगी, क्योंकि अब समीकरण बदलता हुआ। यह अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन डिलीवरी, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर की तरफ, तीन तीन खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब रहे, मगर तब तक मिले 2 रन, और 2 रन के साथ नारायण क्रिकेट टीम की टोटल पहुंची है 28, 28 रन, 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त, और 2 ओवर के समाप्त के बाद 28 रन बने हैं। मुकाबला जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य था, आप जीतने के लिए 27 रन की आवश्यकता, 12 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। तर फलंदाजासाठी एक सुवर्ण संधी आहे, सन्माननीय भालचंद्र पाटील नारायण यांचे जे कटआउट्स बॅनर आपण पाहतो खऱ्यार्थाने, आणि त्या बॅनरला डायरेक्ट हिट षटकार तटवणाऱ्याला फलंदाजाला बुर्दुल गावचे सुप्रसिद्ध मल्ले आदरणीय अजय पाटील बुर्दुल यांच्याकडून 2000 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे फलंदाजासाठी। ड्रिंक स्टॉल अब मैदान के बाहर पहुंची है, सुधीर पाटिल का भी अब जिक्र करना होगा दोस्तों, इस बड़ी प्रतियोगिता को बिल्कुल सफल करने में सुधीर पाटिल का भी काफी बड़ा हाथ रहा, और उनका भी हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी है ये बुर्दू टीम के उभरते सितारे, यंग स्टार है, और बिल्कुल आज ये जिम्मेदारी कंधों के ऊपर उठाते हुए इस प्रतियोगिता को पूरी तरह से, उनका भी काफी योगदान रहा, सुधीर पाटिल का भी हम बिल्कुल जिक्र करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जिम्मेदारी हर कोई निभाता नहीं, जिम्मेदारी निभाने वाले दोस्तों बहुत कम होते इस दुनिया में, मगर देखना होगा इस मैदान के ऊपर जिम्मेदारी सी कौन सी गेंदबाजी होगी या बल्लेबाजी होगी जिम्मेदारी वाली। बैकफुट पर गए, सामने खेलना चाहते थे, मगर गेंद पड़ने के बाद यहां पर बल्लेबाज को बिल्कुल बीट किया, मगर ऑप्शन के काफी बाहर निकली, अंपायर ने इसे वाइड करार दी, और अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी टीम की टोटल बनी, और ये थर्ड अंपायर बिल्कुल तो बिल्कुल थर्ड अंपायर जाते हुए अभी भी जिक्र किया था सुधीर पाटिल के बारे में, एक हुनरमंद खिलाड़ी है दोस्तों ये, यंग टैलेंट, बिल्कुल बुर्दू टीम के लिए आने वाले समय में बिल्कुल बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो सुधीर पाटिल गए अंपायर की भूमिका निभाने के लिए, अब समीकरण बचे 12 गेंदे 26 रन की आवश्यकता, गेंदबाज तैयार, और ये देखिए कमाल की स्ट्रोक, और ये आया बेहतरीन छक्का, सोने पे सुहागा, टीम की टोटल अब तेजी से बढ़ती हुई। I'm not the one who's running away.
डेजर राकेश के ऊपर आक्रमण चढ़ाया, स्पिन आक्रमण है और इंतजार किया गेंद का और ये लंबा छक्का। ये देखिए रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, मगर लौटना होगा रन आउट के तौर पर। ये देखिए मैदान पर क्या हुआ, बल्लेबाज प्रेमनाथ हजारे एक बिग बैट्समैन बिल्कुल यहां पर मैदान से बाहर। थैंक यू डीजे। कहते ना कि किस्मत, कहते ना कि किस्मत तो बहादुरों का साथ देती है और बहादुरी दिखाई इस खिलाड़ी ने, जहां से डायरेक्ट हिट लगाई और लौटना पड़ा। प्रेमनाथ हजारी सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे और वो भी जानते थे इस मुकाबले को जीतने के लिए, वो भी एक ताकतवर बल्लेबाज थे और नाराज हुए खुद के ऊपर। अब मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, इतने आसानी से खेले जाने वाला ये क्रिकेट खेल नहीं है, जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और इस बार उड़ाया गेंद हवा में, यहां पर तकदीर बदलती हुई, एक के बाद एक और एक झटका। जैसे ही देखा रन आउट के तौर पर विकेट गिरने के बाद ये दूसरा विकेट। कहते ना कभी कभी कुंडली में शनि हो जाती है और शनि पीछे लगते हैं ना तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जेब में हो मनी तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम का और एक लगता हुआ झटका, अब मुकाबले में ट्विस्ट। जिस तरह से आया छक्का उसके बाद लगातार विकेटों का सिलसिला रहा, मगर अब जीतने के लिए मैदान के ऊपर चाहिए बची हुई 9 गेंदे, 20 रन की आवश्यकता। बुलबुल की पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुद्धिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत दोस्तों, उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते। ये देखिए चिंद्रन टीम काफी मजबूती में पहुंची है, सामने वाली टीम के ऊपर किस तरह से दबाव डालने की कोशिश कर रही है और अब ये दबाव थोड़ा सा बढ़ चुका है मैदान के ऊपर नारायण क्रिकेट टीम के ऊपर। मगर अभी भी वक्त है, 8 गेंद 20 रन इतना बड़ा स्कोर नहीं है मैदान के ऊपर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और बार बार ये खिलाड़ी बिल्कुल सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहा है मगर नाकामयाबी उनके पीछे लगी है। देखना होगा अब सभी क्रम पूरी तरह से बदला हुआ, क्योंकि अब जीतने के लिए 7 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। बिल्कुल विश्वास पाटिल का भी आगमन हुआ, रायगढ़ के किंग ऑफ रायगढ़, रायगढ़ के बादशाह, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद गई डीप मिड विकेट में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और ये 2 रन पूरे। तीसरे रन के लिए पलटे हैं और जनाब ये लौटना होगा मैदान के बाहर रन आउट के तौर पर, मगर आखिरी ओवर में चाहिए 18 रन जीत के लिए नारायण क्रिकेट टीम को। तो बिल्कुल ये देखिए किस तरह से मुकाबला बदला मैदान के ऊपर। लग रहा था 2 ओवर में मुकाबला नारायण टीम के पक्ष में आया था, वो मुकाबला हाथ से निकलता हुआ धीरे धीरे चिंद्रन टीम के पक्ष में झुका है। और मैंने पहले भी कहा दोस्तों, ये क्रिकेट खेल है, अनिश्चित भरा होता है, कभी भी कुछ भी होता है क्रिकेट में। कभी कभी जीतने वाली टीमें अचानक हार जाती है और हारने वाली टीमें कभी कभी जीत जाती है, और इसीलिए कहा जाता है जीत कर हारने वाले को कायर कहते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या होगा मैदान पर,
छेगेंदे 18 रन की आवश्यकता, दिल को बहलाने वाला मुकाबला। नारायण टीम के समर्थक थोड़े से मायूस है, जानते हैं कि मुकाबला थोड़ा कठिन है, मगर उनके बल्लेबाजों के ऊपर उनका भरोसा है। कहते ना, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग आज भी पत्थर को पूछते हैं, क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। भरोसे के लायक बल्लेबाजी होगी या गेंदबाजी। आने वाली 6 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए अभिषेक के ऊपर भार सौंपा है और एक स्ट्राइकर पर बल्लेबाज विकी हजारी, द बिग नेम नारायण टीम। बिल्कुल ये अच्छी स्ट्रोक लॉन्गॉन की तरफ और अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को रोके फेंके। विकी हजारे ने 2 रन कंप्लीट किया। विकी हजारे में वो ताकत है, विकी हजारे में वो दम है, और वो कर सकते इस मैदान के ऊपर। उनके समर्थकों उनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि 5 गेंद में बनाने हैं 16 रन। यही मौका है विकी को खुद को साबित करने का, यही मौका है विकी को खुद को हीरो बनाने का। आने वाली 5 गेंदे अब जीत के लिए चाहिए, मैदान पर 16 रन। और इस बार गेंद हवा में थी, बिल्कुल 1 रन मिला, दूसरे रन की कोशिश, और ये देखिए रन आउट बने, क्रॉसिंग हुई, अन्यथा विकी को भी लौटना पड़ता। 19-20 होते ना तो भाई लौटना पड़ता, मगर इस समय उम्मीद की किरण अभी भी मैदान पर है, क्योंकि 4 गेंद में 15 रन की आवश्यकता। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। थैंक यू डीजे, नैनो से तीर मत चलाना, क्योंकि यहाँ दिल घायल होते हैं, मगर यहाँ तीर चलाना है अपने बल्ले से, क्योंकि गेंदबाज को घायल करना है तो बल्ले से तीर चलाना होगा, क्योंकि 4 गेंदे आप जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला, दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आने वाली 4 गेंदे अब 15 रन की आवश्यकता। चार गेंदे 15 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, विकी हजारे लड़ रहे मैदान के ऊपर इस मुकाबले को जीतने के लिए, मगर क्या होगा, 4 गेंद में वो 15 रन बना पाएंगे या फिर अभिषेक इन रनों को बचा पाएंगे। ओ ये देखिए लाजवाब चौक, और सीधे गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग 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 बिग वे आउट ऑफ द पार्क। थैंक यू डीजे, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और दोस्तों कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और ये छक्के ने बहुत उम्मीद जताई है, ये बेहतरीन स्ट्रोक, फिर एक बार ऑन साइड में लॉन्ग ऑन में, एक खिलाड़ी मौजूद, रन आउट। अब ये मुकाबला और ये दिलचस्प बनता हुआ, क्योंकि 1 रन के साथ टीम की फुल स्कोर बन चुका है, फुल स्कोर 47। जीत के लिए अब चाहिए मैदान पर 2 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। दो गेंदे 8 रन की आवश्यकता। दर्शक भी हैरान हो चुके इस मुकाबले को देखकर, क्योंकि दिल को बहलाने वाला मुकाबला दोस्तों, कभी भी इस मुकाबले को देखकर दिल बहल सकता है, हार्ट अटैक आने वाला मुकाबला दोस्तों, क्योंकि आप जीत के लिए 2 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। अब दोनों टीम के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, कंपल्सरी चेसिंग, बिल्कुल दोनों टीमें याद रखना कंपल्सरी चेसिंग है इस प्रतियोगिता में। 2 गेंदे 8 रन की आवश्यकता, गेंदबाज तैयार। और इस बार गेंद को खेला मिड विकेट में, और ये गेंद हाथ से निकली सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, ये छक्का, और इस छक्के ने मुकाबले में मजबूती दिलाई नारायण क्रिकेट टीम को।
थैंक यू डीजे। और कहना चाहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। नारायण टीम का वक्त बदल चुका है, जो नारायण टीम के दर्शक बैठे थे वो अब खड़े हो चुके हैं। एक गेंद दो रन की आवश्यकता, एक बार जोरदार तालियां बजाए विकी के लिए जिन्होंने मैदान के ऊपर आतिशी पारी के लिए अब तक उन्होंने 12 गेंद में 27 रन की पारी के लिए, मगर विकी शांत नहीं बैठेंगे। ये देखिए कैसे घूम रहे मैदान में, जानते हैं एक गेंद में दो रन की जरूरत है, अभी भी वो शांत नहीं है। जब तक दो रन नहीं बनाते तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। आने वाली एक गेंद दो रन की आवश्यकता। तो बिल्कुल मुकाबला यदि जीतता है तो हमारे उप सरपंच बिंदास शेठ पाटिल जिनकी तरफ से 5000 रुपए का नगद इनाम होगा। एक गेंद दो रन की आवश्यकता, दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आखिरी गेंद। एक रन हुआ कंप्लीट, क्या होगा, दिल नहीं बल्कि दिल टूटेगा। क्या हुआ मैदान पर, स्कोर इज लेवल, यानी कि इस समय स्कोर इज लेवल यानी कि मुकाबला जीता किस्मत के साथ, क्रिकेट नियम के साथ यहां चिंद्रन क्रिकेट टीम ने। ना तो यहाँ नारायण टीम जीती, ना तो यहाँ चिंद्रन टीम जीती है, यहाँ जीता है क्रिकेट, क्रिकेट का नियम जीता है। और क्रिकेट का नियम बताता है इस प्रतियोगिता में कंपल्सरी चेसिंग के वजह से यहाँ चिंद्रन क्रिकेट टीम ने ये जीत हासिल की है। दोनों टीम की शुभकामना देंगे, काफी बड़ा क्रिकेट खेला और बिल्कुल यहाँ पर सेकंड कहते हुए दोनों टीमें, क्योंकि ऐसे कहा जाता है एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता, जीत और हार हमेशा होती है। और ये देखिए दोस्ताना निभाते हुए नारायण और चिंद्रन टीम, वेल प्लेड और काफी बड़ा क्रिकेट देखने को मिला। दर्शक यही चाहते हैं कि ऐसा मुकाबला हो तो दर्शकों को पसंद होता है। और इस मुकाबले के हीरो तो बिल्कुल दोस्तों इस मुकाबले के हीरो बने हैं जिस गेंदबाज ने पूरी तरह से इस मुकाबले का नक्शा बदला और अपनी तरफ झुकाया, यानी कि तीसरा ओवर जिससे फेंका, दो विकेट ली, राकेश बने हैं मैन ऑफ द मैच। राकेश या सामन्याचा हीरो, अतिशय प्रेक्षण आणि रंगतदार लड़त झाली मित्रांनो, दोन्ही क्रिकेट संघाने अतिशय शेवटच्या चंडू पर्यंत अतिशय चांगल्या प्रकारे परफॉर्मन्स केला। खऱ्या अर्थाने चिंद्रन क्रिकेट संघाने विजय संपादित करीत तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल झालेला आहे। त्यांचा आम्ही या स्पर्धेचे आमचे आयोजक सुनील दादा पाटील, प्रवीण दादा पाटील, बिंदा दादा पाटील विद्यमान उपसरपंच आहेत त्यांच्या वतीने अभिनंदन करतो। नारायण क्रिकेटने सुद्धा क्रिकेट संघाने चांगल्या प्रकारे खेळ दाखवला, तुम्ही या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला, तुमचा मनपूर्वक आभार आम्ही इथे सन्मान्य सरपंच दादा पाटील साहेबांच्या वतीने व्यक्त करत आहोत। या सामन्याचा हिरो राकेशला सामनावीराचा पारितोषिक इथे पुरस्कार देण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो सरपंच चषकाचे आयोजक अन्नदाता सदा सुखी प्रवीण दादा पाटील। येणाऱ्या रविवारी खऱ्या अर्थाने भोजनाची व्यवस्था सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे आणि त्यांच्या शुभ हस्ते राकेश पाडेकरला सामनावीराचा पारितोषिक देऊन इथे सन्मानित केले जात आहे। राकेश निश्चित